तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्नियो में एक नया अपडेट आ चुका है। कनेक्टर, अगर आपको लाइट का डिस्प्ले कनेक्टर हो गया या कैमरा कनेक्टर हो गया या टच कनेक्टर हो गया, ये अगर आपको किसी और पीसीबी से निकाल के लगाना है, तो यहाँ पे कनेक्टर का एक नया अपडेट आया है जिसमें काफी सारे मॉडल्स ये लोगों ने ऐड किए हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको कोई कनेक्टर नहीं मिल रहा है तो दूसरे कौन से पीसीबी में से आप वो कनेक्टर निकाल के लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, इससे पहले इन्होंने एक पीसीडी का ऑप्शन दिया है जिसके अंदर हम आईसी कंपेटेबिलिटी ढूंढते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पीसीडी, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंट और आईसी वगैरह क्या क्या लग के है उस मॉडल में, ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज, नीचे कनेक्टर्स, ये एक नया इन्होंने इसमें अपडेट किया है कनेक्टर्स का। और कंपोनेंट में अगर आप देखेंगे तो उस कोई भी मॉडल आप डालेंगे तो उस मॉडल में क्या क्या कंपोनेंट और आईसी लग के वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ मॉडल का नाम लिखना है आपको, अगर आप ऐसा पूरा डिस्प्ले वगैरह लिखेंगे तो ये शो नहीं करेगा, ये फॉन्ट नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉडल का नाम डालना है, ये देख सकते हैं आप, रेडमी नोट 4 मैं यहाँ पे डाला हूँ। अभी सर्च करेंगे फ्रंट कैमरे के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्रंट कैमरे के लिए आप इतने सारे जो मॉडल्स हैं उसमें से आप ये निकाल के आप इसमें लगा सकते हैं। हालांकि अभी जो अपडेट आया है इसमें ज़्यादा मॉडल्स तो इन्होंने नहीं डाले हैं, हालांकि काफ़ी सारे मॉडल्स मैंने इसमें चेक किया बट ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, हेडफोन, सिम ट्रे, मेमोरी कार्ड, टच, यूएसबी कनेक्टर, मतलब चार्जिंग पिन और स्पीकर वगैरह, और ऑन ऑफ की का वॉल्यूम का जो होता है कनेक्टर वो कनेक्टर। तो ये फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, फ्लैश का कनेक्टर, सेंसर्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ इन्होंने अपडेट की हैं। हालांकि बोर्नियो फ्रेंड्स इसलिए बहुत ही अच्छा है ताकि ये हर दिन कुछ ना कुछ एक नया अपडेट लेके आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैंने डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे ये शो कर रहा है नोट 3 और नोट 4, ये दो में से आप निकाल के डाल सकते हैं। चलिए एक रेडमी नोट 8 प्रो का लेटेस्ट मॉडल है देखते हैं। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने इसका अभी तक कोई अपडेट नहीं डाला है। अगर आप कैमरा वगैरह भी ये चेंज करके देखना चाह रहे हैं तो इन्होंने इसका कुछ भी इसमें अपडेट नहीं दिया है। ये देख सकते हैं, मैं है आपको सिम ट्रे भी सर्च करके बताता हूँ। तो इसमें अभी ये लोग वर्क करना स्टार्ट किए हैं, तो काम करने के लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। कनेक्टर्स हो गया, कंपोनेंट हो गया, आईसियां हो गई या सेंसर्स हो गए, तो इस काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको चाहिए होती हैं जो कि दूसरे पीसीबी में से आपको निकाल के इसमें लगाना होता है। अदरवाइज हम मार्केट में जाके खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमसे चार्ज करते हैं, 50-50 रुपये, 100-100 रुपये हमसे ले लेते हैं। तो अगर आपके पास स्क्रैप बोर्ड है और आपके पास हैंड स्किल है तो आप उसमें से निकाल के डाल सकते हैं। देखिए A3S का भी इन्होंने नहीं डाला है, मैंने वही वाले मॉडल्स सर्च किए हैं जो ज़्यादा हमारे मार्केट में रिपेयर होने के लिए आते हैं। देखिए वीवो Y93 का भी कुछ भी इन्होंने नहीं डाला है। मतलब के फ्रेंड्स, अभी आप इसको ये समझ के रखिए कि फ्यूचर में ये लोग अपडेट करेंगे और अभी इस पे काम इन्होंने स्टार्ट किया है। मतलब बोर्नियो में बहुत कुछ ये लोग अपडेट लाने वाले हैं। तो जितने भी सर्किट डायग्राम्स के टूल्स हैं, मैं पहले से ही बताता हूँ कि बोर्नियो जो है बहुत ही अच्छा टूल है जो कि हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आता है। यहाँ पे इन्होंने हार्डवेयर सोल्यूशन, बिट मैप, सर्किट डायग्राम्स और मोबाइल के अंदर जो आईसी वगैरह कंपेटिबिलिटी होती है दूसरे मॉडल में, ये सारी चीज इन्होंने लाई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने नोट 5 प्रो को सर्च किया और यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन के लिए मैं कौन सा क्या कनेक्टर है, जैसा देख सकते हैं कनेक्टर इन्होंने नहीं बताया है। अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने सिर्फ कंपोनेंट में डायोड लिखा तो इन्होंने कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि हमको यहाँ पे मॉडल नंबर लिखना है। कोई भी एक मॉडल का आप नाम लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं उस मॉडल में डिस्क्रिप्शन में आपको देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ब्रांड है, फिर मॉडल है, लोकेशन है, उसका पार्ट नंबर है, उस आईसी का नंबर है और उसका डिस्क्रिप्शन में उसको क्या बोला जाता है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। राइट साइड में आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी कौन सी है, लाइट आईसी कौन सी है, ग्राफिक आईसी कौन सी है, पावर आईसी कौन सी है। तो कंपोनेंट के अंदर बस आपको मॉडल का नंबर डाल देना है और यहाँ पे ये जो भी इन्होंने रिसर्च करके रखा है तो वही ये शो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये लोग भी काम कर रहे हैं और इंडिया के बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर्स
हमारे पुराने भाई है जो पहले से काम कर रहे हैं वो लोग भी इसमें हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारे टेक्नीशियन भाइयों को हेल्प हो सके। अगर आप चाहे तो आप भी इसके अंदर अकाउंट बनाकर आप भी इसमें सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, कोई एक मॉडल हाथ को लगता है आपके, तो आप उसमें बता सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूल गेज ऐसी कौन सी है, एलसीडी के लिए ऐसी कौन सी यूज की गई है, ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी कौन सी है, WTR कौन सी है, पावर ऐसी, चार्जिंग ऐसी कौन सी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ये शो करता है। तो ये काफी सारी इन्होंने अपडेट लाई है यहाँ पे। अगर आप चाहे तो बोर्नियो के अंदर इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास काम आता है इस तरह का तो जरूर आप इसे यूज करिए, चेक करिए कि बोर्नियो के अंदर वो सारे मॉडल्स आपके अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे एक और मॉडल रियलमी C2 का मैं चेक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रियलमी C2 में यहाँ पे इतने सारा अपडेट दिया है कि इसमें CPU कौन सा है, MMC कौन सी है, पावर IC कौन सी है। तो ये एक ये भी देख सकते हैं रियलमी C2 का भी इन्होंने डाला है MediaTek की। ये वाईफाई AC हो गई, 2GP है, 3GP हो गया, चार्जिंग AC BQ लग के है, ऑडियो के लिए इसमें IC नन मतलब पावर में ही होता है इसीलिए नहीं बताया इन्होंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश LED लाइट कौन सी है, CPU कौन सा है इसमें, MMC कौन से नंबर की इसमें लग कर आती है कंपनी की तरफ से। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा काम किया है। अगर आप चाहे तो ये सारी चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को देखा हूँ मैं फेसबुक या यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि ऑडियो AC कौन सी डाले, चार्जिंग AC कौन सी डाले। तो इन सारे फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो ऑप्शन आया है नया ऑप्शन, ये बहुत ही बेटर है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो वीडियो है इसी तरह से आता रहेगा। इंडिया में शायद ये फर्स्ट वीडियो होगा आपको यूट्यूब पर जो कि इतना एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको। और फोनफिक्स HYD के वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बाजू में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। और अगर हमारे यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करके व्हाट्सअप करके डिटेल ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।